मान साहब ने हमेशा आपका घर बनाया है, जरा घर कोई नहीं वर्कर का बनाया, किसी ना कोई वर्कर की मदद की, मैं दिल्ली कह दिया। तो मैं पूछना चाहना भाई साहब का जवानी कितने गई, जेल ची गई है, जवानी किधर गई? मान साहब ने आप सारे ही सन जिन्हें बैठे इतों उठी आवाज पिंड पिंड गली गली, ना किसी शहीदा सिंह को रुपया दिता है, लखा करोड़ा फंड है इन्होंने अमरीका कनेडा के, पर जे मानसा आखे नहीं लगता, जे मानसा ने अपनी जुटियां ही पाई जानिया, टांग भी पाई जाने, फिर अपन भाई साहब मगर आखे लगने चाहिए। असी पहली खुद गाली पंथ के पिछे अज ही गुरु महाराज लग चुकी सी खान जाए, या जे मान साहब कोई संगते बह के गल नहीं कर सकते, मैं कर सकना, मैं कर सकना मान साहब, मान साहब जो बेइज्जती करा रहा आपके सलाह से आपके वर्करों सिर पर बेइज्जती करा रहा। मैं कभी स्टेज पर बोलिया नहीं, संगत मेरे नाल आईए जलो, मैं कह दिया जे मान साहब नहीं कौम के आखे लगता आप भाई साहब मगर आखे लगे, बचपन तो लैके पोतरिया दोतरिया वाले हो गए ने, आप सिंह साहब के फैसले से पहरा दईए, तो वारी वारी खेडा नहीं आदि होंगे, इक्के स्टैंड खड़े हुए हैं भाई साहब जी, अज भाई साहब आप पिंड पिंड जा के आवाज देनी चाहिए है, खरे समय ने कौम से की भीड़ बननी है, की विपता बननी है, अज फिर आपका मिले सिंह साहब स्टैंड करते अपना आप स्टैंड आप लेना है, ये सारी कौम एक सिने वजो है। जे मान साहब आखे नहीं लगते, जे सीटा सीटा ने रौला पैंदा है, जड़े समय सरदार जी आपकी जवानी के कोई कारोबार करने से वो भाई साहब ने जेलां कटियां, आप भी वेख लें, वेखो जी कौम के बड़ा कुछ करना पैंदा, अज भी दुले बेरा में कुछ नहीं बिगड़िया। जे आप जमीना जाए तो 47 के बजुर्ग अपने छद आए थे, ये कुछ संघर्ष कोई ज़्यादा कोई बुढ़ा आया है, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਰੋ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, पर जे मान साहब आखे नहीं लगता, जे मान साहब ने अपनी जुत्तियां ही पवाई जानिया, टांग भी पवाई जाने, फिर अपन भाई साहब मगर आखे लगना चाहिए। इतों उठी आवाज पिंड पिंड गली गली, कोई मान साहब ने हमेशा आपका घर बनाया है, दूजे का घर कोई नहीं वर्कर का बनाया, किसी ना कोई वर्कर की मदद की, मैं दिल ही कह दिया, ना किसी शहीदा सिंह को रुपया दिता है, लखा करोड़ा फंड है इन्होंने अमरीका कनेडा के, या जे मान साहब कोई संगते बह के गल नहीं कर सकते, मैं कर सकना, मैं कर सकना मान साहब ठो के, असी पहली खुद गाली पंथ के पिछे अज ही गुरु महाराज हुक्म लग चुकी मिसी खान डे, मान साहब जो बेइज्जती करा रहा आपके सलाह से आपके वर्करों सिर पर बेइज्जती करा रहा। मैं कभी स्टेज पर बोलिया नहीं, संगत मेरे नाल आईए जलो, मैं कह दिया जे मान साहब नहीं कौम के आखे लगता तो आप भाई साहब के मगर आखे लगीए, बचपन तो लैके पोतरिया दोतरिया वाले हो गए ने, इक्के स्टैंड ते खड़े हुए हैं भाई साहब जी, तो अज भाई साहब जी आप पिंड पिंड जा के आवाज देनी चाहिए है, भी आप सिंह साहब के फैसले से पहरा दईए, तो वारी वारी खेडा नहीं आदि होंगे, खरे समय ने कौम से की भीड़ बननी है, की विपता बननी है, अज फिर आपका मिले सिंह साहब स्टैंड करते अपना आप स्टैंड आप लेना है, ये सारी कौम एक सिने वजो है। जे मान साहब आखे नहीं लगते, जे सीटा सीटा ने रौला पैंदा है, कोई कहना भाई साहब मैं 40 साल डांगा खाधियां, कोई कहना मैं 50 साल डांगा खाधियां, तो मैं ये पूछना चाहना भाई साहब का जवानी कितने गई, जेल ची गई है इन्हों की जवानी किधर गई? जड़े समय सरदार जी आपकी जवानी के कोई कारोबार करने से वो भाई साहब ने जेलां कटियां, आप भी वेख लें, वेखो जी कौम के बड़ा कुछ करना पैंदा, अज भी दुले बेरा का कुछ नहीं बिगड़िया। जे आप जमीना जाए तो 47 के बजुर्ग अपने छद आए थे, ये कुछ संघर्ष कोई ज्यादा कोई नहीं बुढ़ा आया है, तो आप भी सिंह साहब मगर अज ही साथ देते रहिए हमेशा वास्ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।